तो आज बनाने वाले हैं हम बादाम के लड्डू, जो टेस्टी होने के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं। बादाम के लड्डू बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें सबसे पहले बादाम चाहिए। तो ये मैंने एक कप बादाम लिए हैं। इसको हम गैस की मीडियम फ्लेम के ऊपर रोस्ट करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि इसके बादाम के जो अंदर की नमी है वो कम हो जाए और बादाम जो है क्रंची हो जाए। तो इसको 8 से 10 मिनट तक रोस्ट करने के बाद इसको थोड़ा ठंडा कर लें, फिर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, पाउडर बना लें। अब इसको नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, ये मैंने एक कप कोकोनट लिया है, फ्रेश कोकोनट। इसको आप कद्दूकस कर सकते हैं। ग्रेट करके मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ गैस की मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि इसके जो अंदर का पानी है वो सूख जाए। ऐसे जब ब्राउन हो जाए तो इसको भी हम पाउडर फॉर्म में ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका टेस्ट एनहेंस करने के लिए इसमें आप शुगर डाल सकते हैं या फिर जैगरी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें शुगर नहीं, मैं गुड़ डालूंगी। ये थर्ड फोर्थ कप मैं इसमें जैगरी डाल रही हूँ। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया है और एक अलग बर्तन में मैं शिफ्ट कर रही हूँ ताकि इसके लड्डू बना सकूँ, ठीक है। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची के दाने, आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। इलायची के दाने डालने के बाद इलायची के दानों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लड्डू बनाने के लिए, जब लड्डू बनाने हैं, इसके लिए हमें देसी घी चाहिए। देसी घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, यानी कि आलमंड और किशमिश। और जो जब ये हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करना है, तो गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो पे रखनी है, नहीं तो जो ड्राई फ्रूट है वो जल जाएगा, देसी घी भी बर्न हो जाएगा, उससे स्मेल आएगी। तो ड्राई फ्रूट को हम शिफ्ट कर देंगे, डाल देंगे, ऐड कर देंगे अपने मिक्सचर के अंदर, और अच्छे से जो देसी घी है वो मिक्सचर के साथ मिक्स कर देंगे, ताकि अच्छे से ये सारा मिक्स हो जाए और लड्डू जो है अच्छे से बन जाए। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि ये जो मिक्सचर है, बिल्कुल जब देसी घी डाला है ना, गरम गरम के हमने लड्डू बनाने हैं। अगर ये ठंडा हो गया तो आपके लड्डू नहीं बनेंगे, लड्डू जो है बिखरते जाएंगे। तो ट्राई कीजिए कि जो देसी घी है ड्राई फ्रूट वाला, वो डालते ही गर्मा गर्म के हमने लड्डू बनाने हैं, तो बिल्कुल ऐसे राउंड शेप के जो लड्डू है वो बन के रेडी हो जाएंगे। ये जो लड्डू है ना, बादाम के लड्डू, वो टेस्टी होने के साथ साथ बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे हेयर फॉल होता है तो हेयर ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, आयरन होता है, ठीक है। तो ये आप बादाम के लड्डू बनाइए, इंजॉय कीजिए मेरे वाले रेसिपी, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये बादाम के लड्डू कैसे लगे।